हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल रीना पीहू 15 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और मैं हूं रीना। आज हम पैनकेक बनाएंगे। पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैदा। हम यहां पे एक कटोरी मैदा का यूज करेंगे। जब भी आप पैनकेक बनाएं या फिर केक रेसिपी बनाएं तो मैदा को ज़रूर छानकर यूज करिएगा। देखिए, आधा कटोरी हम यहाँ पे अमूल पाउडर का यूज करेंगे। डेढ़ चम्मच हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। एक चम्मच के करीब हम यहाँ पे तेल ऐड करेंगे। देखिए, अब थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे दूध ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसका एक स्मूथ बैटर रेडी करना है, जैसे केक में बैटर बनाते हैं। देखिए, बैटर हमारा रेडी नहीं हुआ है, ये बहुत ही थिक है। इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसका कंसिस्टेंसी जो है आप इस तरह से रखिएगा। पैनकेक बनाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई गरम कर दिए हैं। कढ़ाई को ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब ये ऑयल को किसी भी टिश्यू पेपर से या फिर कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ देना है। देखिए, इस तरह से। पैनकेक बनाने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ऑयल देके इस तरह से पोंछ देने से हम यहाँ पे कई सारी पैनकेक बना सकते हैं। पैनकेक बनाने के लिए आप इस तरह से कोई साइज ले लीजिएगा, कटोरी हो या फिर कप हो, ताकि केक हमारा एक ही साइज का बने। इसको हमें बीच में ही देना है। देखिए, इस तरह। इस वक्त गैस की फ्लेम को हम लो में रखे हैं। अब इसको कवर कर देते हैं। हमें चाहिए कुछ ओरियो बिस्किट्स। इसका क्रीम हमने निकाल दिए हैं। अब इसे पाउडर बनाना है। देखिए, बिस्किट का हम यहाँ पे पाउडर बनाए हैं। चलिए ढक्कन निकाल कर देखते हैं पैनकेक हमारा कैसा बना है। देखिए, ये कितना सुंदर बना है। जब भी आप पैनकेक बनाएं तो गैस की फ्लेम को लो में रखिए। देखिए, पैनकेक कितना सुंदर बना है। इसी प्रोसेस में सारे पैनकेक को हम बना लेते हैं। आज हम ओरियो बिस्किट से ही क्रीम बनाएंगे। क्रीम बनाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दूध गर्म करेंगे। देखिए, दूध हमारा गर्म हो गया है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ चम्मच के करीब देसी घी। देखिए, सारे बिस्किट्स को हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है।
देखिए पेनकेक हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आप इसे घर में एक बार जरूर ट्राई करिए। देखिए ओरियो बिस्किट से हम जो क्रीम रेडी किए थे, हम इसको अब इसके ऊपर देंगे। इसके ऊपर ही एक पेनकेक रखना है। लो भाई, हाँ देखो तो है। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। हम यहाँ पे ओरियो बिस्किट का घर में ही क्रीम रेडी किए हैं। देखिए ओरियो बिस्किट का क्रीम लगाने के बाद ये कितना सुंदर दिख रहा है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। बच्चों को खुश करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।